बैठो। अरे भाई वाह वाह वाह, आई जीजा जी आइए। क्या बात है अम्मा, आ गए आपके जमाई बाबू। जज रहे हैं जीजा जी। अब तनिक हाथ थोड़ा ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? यदि आपको बुरा लगा तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ की रस्म है। कमर बंद है आपकी बहन के लिए, मुंह दिखाई लीजिए, देख लीजिए। अरे छोड़िए, चलिए जाने दीजिए। अच्छा किया आप लिया, उनको पसंद आएगा। अरे भाई चलिए अंदर, शर्मा कितने रहे। आइए आइए। अरे चलिए। अरे क्या हुआ? आप परेशान मत होइए, बैठिए। अच्छे तरीके से काम करो, एक एक छेद भरो, एक सुई की नोक के बराबर भी सुराख नहीं रहना चाहिए। इस बार वो अंदर नहीं आना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहले चोर की तरह दूल्हे की तलाश है और अब इस तरह मैं अंदर बंद क्यों कर रहे हैं? वो दरअसल हमारी रक्षा के लिए। आप घबराइए मत, सुबह होते ही हम आपको सब बता देंगे। आपके सामने इतनी सुंदर दुल्हन बैठी है और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। अब मैं भी देखती हूँ कि आपका ध्यान कहीं और कैसे जा रहा है। बाबा ऐसा बंद किया कि अब तो बाहर की हवा भी अंदर नहीं आ सकती। रक्षा करे, ये खानदेव रक्षा करो। बस आज की रात टल जाए तो बैसाखी का घर बस जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम लोग चौकन्ने रहना। बाबा अब तो अंदर एक चींटी भी नहीं जा सकती। रक्षा करेंगे खानदेव। क्या? हमारी खूबसूरत दुल्हन के लिए एक खास तोहफा। मुंह दिखाई। वैशाखी, वैशाखी क्या हुआ? क्या बात कैसी थी? बाबा खड़स को जल्दी हाथ और चौक करने रहना। खड़स को वैशाखी दरवाजा खोलो। वैशाखी वैशाखी दरवाजा खोलो, जल्दी कराओ। वैशाखी
वैशाखी, वैशाखी, क्या हुआ? वैशाखी, क्या हुआ? लाइट जो तेरा पति कहाँ है? कौन आया था? कौन आया था यहाँ पे? बिच्छू आया था। दादा का रूप लिया। बिच्छू दादा। कैसे घुसा वो? कहाँ गया? हमने उसे अभी-अभी देखा था। बिच्छू दानव को। कहाँ देखा? आंगन में। चलो। वैशाखी, मेरी बेटी को उस राक्षस ने हाँ वो ढूंढो उसे, ढूंढो। बाबा, इतना इंतजाम करने के बाद भी आया कहाँ से वो? बाबा, उधर नहीं दिखा वो। अच्छा बताओ, आज तक किसी ने बिच्छू का ऐसा रूप देखा? अरे देखा, अरे काकी देखा क्या है? वो चाचा देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारे सर्वे सर्वा, हमारे कबीले के देवता बिच्छू बाबा ऐसा विकराल रूप सिर्फ बाबा कर सकते हैं। पर क्यों कर रहे हैं ये भी जानिए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वैशाखी से या तो वो कहीं ना कहीं नाराज है, और या इससे वो कहीं ना कहीं प्रेम करने लगे हैं। और अगर बाबा के क्रोध से बचना है ना, तो मेरी बात मानो, इस वैशाखी को चुपचाप बाबा के हवाले कर दो, जाने दो बाबा के पास। अरे ये गई समस्या गई, समझो? नहीं। मैं भेजू तुझे ऊपर। सही तो बोल रहा है गोविंद। बिच्छू सांप पकड़ने बेचने का ही कारोबार है हम कबीले वालों का। हमारे देवता भी बिच्छू ही हैं। अगर हमने उन्हें नाराज किया तो कबीले के हर घर के बेटी का घर बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमें वैशाखी को बिच्छू बाबा के स्थान पर चढ़ा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ हाँ, फिर उनकी मर्जी। नहीं, नहीं। जानबूझ के कबीले की बेटी को मौत के मुंह में भेज दें। और ये कैसे पता? ये कोई दानो नहीं, हमारे बिच्छू देवता हैं। है कोई सबूत? कोई सबूत है? जो कबीले का फैसला है वही प्रधान का भी।
ये तेरी सौतेली बहन है, इसीलिए एक झटके से ऐसा फैसला सुना दिया तूने? मैं इसे उस दानव के पास नहीं जाने दूंगी। कैसी बातें करती हो बिंदेश्वरी? सौतेली होकर भी सगी से भी ज्यादा प्यार किया वैशाखी को। तीन तीन रिश्ते शादी के लिए आए थे बिचुनी के, लेकिन जब उसने देखा कि वैशाखी का मन उन पर रीझ गया है तो उसने अपनी जगह वैशाखी की शादी करवा दी। नारा दोष बिचुनी पर मत डालो। आज चौपाल में सबने देखा, वो एक बिच्छू बाबा ही थे। अगर वो वैशाखी को चाहते हैं तो भेजना ही पड़ेगा ना। अपन कलेजा को मौत के मुंह में कैसे ढकेल दे हो देवता? बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा मत ले जाइए मुझे। बिच्छू बाबा की मत करिए ऐसा। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की मत बांधिए मुझे। बाबा की जय। बिच्छू बाबा की मत बांधो इसे। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की क्या कर रहे हो? मत करिए ऐसा। मत करो। बिच्छू नहीं देते। दो मुझे छोड़ दो। हमारी बेटी को छोड़ दो। अरे हमको मार दो और हमारी बेटी को छोड़ दो। मत बांधो। मत बांधो इसे। मत बांधो मुझे। छोड़ दो इसे। छोड़ दो। क्या कर रहे हो? बिच्छू नहीं कुछ तो बोलो। छोड़ो। वो खा जाएगा मुझे। छोड़ो। अरे गोड़ पड़ते हैं तुम मेरे बाप। छोड़ दो हमारी बेटी को। छोड़ दो। छोड़ दो। हम नहीं जाएंगे। नहीं कहाँ जा रहे हो? वैशाखी। वैशाखी अम्मा। अरे सब कहाँ जा रहे हो? इसे बस करिए। वो बहुत भयानक है। हार देगा वो मुझे। छोड़ के बच जाओ मुझे। लाडो के परान ले लिए वैशाखी। अम्मा बाबा ने माफ कर दिया इसे। बिच्छू बाबा की जाए। 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 वैशाखी हुआ क्या था? दरअसल कल रात बिच्छू बाबा आए थे। मैं तो बहुत ही डर गई थी। मुझे लगा वो मुझे मार देंगे, पर फिर दीदी तुम्हें ये पायल याद है? ये पायल तो मुझे बचपन में बाबा ने दी थी। हाँ ये वही पायल
जो शायद तुम कहीं भूल गई थी। बचपन में बिच्छू के साथ ब्याब्या खेलते हुए। ये रहा मेरा गुड्डा, तेरे गुड्डे से ज्यादा अच्छा, जीता जागता चलता फिरता। मैं अपना ब्याह इसे से रचाऊंगी। भाई बहुत हंस रही है बिल्कुल। सॉरी, क्या हाल चाल है? दूल्हा मेरा बच्चा। और बच्चे कैसे? अरे कच्चा दूल्हा मेरा बच्चा। जी, ये क्या अनर्थ किया बेटी? और तुम बिंदेश्वरी, क्या तुम्हें भी पता नहीं है? अमावस्या के ग्रहण की चौथी रात के इस नक्षत्र में बिना रीति रिवाज के किसी का हाथ थाम ले तो वो उसका सच में दूल्हा बन जाता है, दूल्हा। और ये तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। वो बिच्छू बाबा और कोई नहीं पर हमारे जीजा जी है। हाँ, बचपन में जब खेल खेल में बिच्छूनी दीदी ने जो शादी की थी वो किसी और से नहीं पर बिच्छू बाबा से ही की थी। और अब सही समय आने पर हमने बिच्छूनी दीदी का गौना नहीं करवाया ना, इसलिए वो नाराज हो गए। वो कह रहे थे कि बड़ी दीदी का तो गौना नहीं करवाया और छोटी बेटी की शादी पे शादी किए जा रहे, और इसीलिए वो मेरे सारे पति को डस कर मार रहे थे। बिच्छू बाबा से शादी? दीदी, ये पायल देकर ही उन्होंने अपनी पहचान बताई और गौने का संदेशा भेजा। खान के देव हमरे दामाद, ये तो बड़ा भाग का बात है। लेकिन ससुराल कहाँ है बिच्छुनी का, इसे भेजेंगे कहाँ? वो अम्मा, बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। हाँ हाँ जीजा जी, हम समझ गए, दीदी का ससुराल पाताल लोक में है। अम्मा, आज रात को ही हम ढोल ताशे के साथ बिच्छुनी को वहाँ लेकर जाएंगे। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। बिच्छू बाबा की जय। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनजाने में ही सही, तुम्हारी शादी तो हुई ही है उस बिच्छू बाबा के साथ, जाना तो पड़ेगा ही। हमेशा कबीले का नया प्रधान वो होता है जिसको पिछला सरदार चुने, ऐसे में आप किसको प्रधानी देंगी? कबीले की नई प्रधानी होगी। वैशाखी,
लेकिन अंदर मेरा दम घुट जाएगा। दीदी तुम बिच्छू बाबा की ब्याहता हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी अंदर सांस लेने में, थोड़ा सब्र रखो। मिट्टी डालना शुरू कीजिए। परधानी मुबारक हो नई परधाई। कब से आस थी मन में कि तुझे इस कुर्सी पर बैठे हुए देखूं, लेकिन तेरी वो सौतेली बहन नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई थी। अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। अब जाओ, जाकर मेरे लिए पहले मांस भात ले आओ। जो हुक्म परधाई। मेरी जान के पीछे, हाँ? अब तो अपने असली रूप में आ जाइए मेरे प्यार। कबीले के एक लौते जादूगर, रूप बदलने वाले मेरे अय्यार। भाई वाह वाह वाह, तूने उस दिन उस बूढ़े को चौपाल में मारा था ना अपने ढंग से, भाई वो तो कमाल ही था। तुमने सब जादू सीखे कब? इतने खतरनाक, अरे बता तो। वैसा तो अरे वो तो कुछ भी नहीं। आप लोगों को पता है गोविंद ने बिच्छू बनकर बिच्छू बाबा के थान पर मुझे बिच्छुनी की पायल दी।
वो भी ऐसी चीज जिसे देखते ही बिच्छुनी को तुरंत यकीन हो गया कि बचपन में जिस बिच्छू से उसकी शादी हुई थी वो सच में वापस लौट आया है। और सब लोग सच मान गए कि सच में वो बिच्छू वापस आया है और बिच्छुनी से गौना करके उसे पाताल लोक ले जाना चाहता है। जिंदा गाड़ दिया उस बिच्छुनी को हमने और कबीले वालों को पता तक नहीं चला। चुप करो, कब से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन तो लो। हाँ मैं यार हूँ, थोड़ा बहुत जादू जानता हूँ, भेष बदल सकता हूँ मैं। और ऐसे ही बिच्छू दानव का भेष धर के तेरे तीनों पतियों को डराया मैंने, लेकिन डंक मारना मेरे बस की बात नहीं है, ये जानते हो ना तुम लोग। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उस चौपाल में जो बूढ़ा डंक से मरा था ना, उसको मैंने नहीं मारा था, उसको मारने वाला मैं नहीं था। ये बात मैं सबके सामने नहीं कर सकता था, और जब मैं अकेले में तुम्हें ये बात बताने आ रहा था तो रास्ते में मुझे सच का बिच्छू दानव मिल गया। बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक, सच का बिच्छू दानव, बहुत विकराल। यकीन नहीं होता, ये देख। डंक सिर्फ छूकर निकला था, इसलिए बेहोश हुआ था, इसलिए बच गया और सीधा होश आते ही तुम्हारे पास आया हूँ। सच का बिच्छू दानव है, सच का बिच्छू दानव है, सबको मार देगा, हम सबको मारेगा बिच्छू दानव। आने की सौतेले बिच्छू को हटाने के चक्कर में और तुझे प्रधान बनाने के चक्कर में कहीं हमने सच में बिच्छू बाबा को जीवित तो नहीं कर दिया? हाँ बिच्छू दानव जाग गया बिच्छू दानव। नहीं नहीं नहीं, असली में आज तक ऐसा हुआ है कहीं भला? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा हमने गड्ढे की खुदाई की, वहाँ बिच्छू नहीं मिली और ना ही उसकी लाश मिली, कपड़े में कुछ भी नहीं मिला बाबा। ऐसा लगता है बाबा बिच्छू अपने ससुराल पहुंच गई, मतलब बिच्छू हमारी देवी बन गई है बाबा। बिच्छू बाबा की जय, 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 बिच्छू बाबा की जय। धीरज जी बहुत घबरा रहा है, बिच्छुनी की लाश वहाँ क्यों नहीं है? मुझे कैसे पता होगा? अम्मा अगर बिच्छुनी बच गई होगी तो? ऐसे कैसे बच गई होगी? अरे वो कहीं मरकर भूत तो नहीं बन गई? तू चुप कर। चाहे भूत बनी हो या पिसाच, पाताल लोग गाड़ कर आए हैं उसे, वहां से तो वापस कभी नहीं आएगी, इसलिए अब हम वही करेंगे जो हमने सोचा था। छोटी बेटी की शादी में बड़ी बेटी और दामाद को न्योता नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी शादी में आ गई तुम्हें आशीर्वाद देने।
लो मेरा आशीर्वाद। लो मेरा आशीर्वाद। सोच मत, चला दे। अम्मा कैसी बातें करें, ये भूतनी कैसे मरेगी तीर से? चुप कर, बाण चला मरेगी, चला। बेटी और दामाद की सुहागरात में तेरा क्या काम? जाओ यहां से, क्योंकि तेरे पीछे पीछे तेरी बेटी और दामाद दोनों आ जाएंगे। हमको माफ कर दो, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे, बिच्छू नहीं, माफ कर दो हमको। सगी बहन से भी बढ़कर माना था तुझे, तुझे प्रधान बनना था तो मुझसे कह देती, हंसते हंसते अपनी जान भी दे देती तुझे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे उन तीनों लड़कों की जान लेनी थी तो उनसे शादी क्यों की? तीन तीन लड़कों की जान दे दी क्यों वे शाकी? मैं बताता हूँ इस वे शाकी ने किया, तो कुछ इसे नहीं किया। सारे लड़के तुझे प्यार करते थे ना, जलती नहीं है बहुत, इसने सबको मार दी, जलन के मारे मारा। मैंने कुछ नहीं किया, तो कुछ इसे नहीं किया, कुछ नहीं इसने किया। मैंने तो बस थोड़ा सा डराया था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब
अब वैशाखी और गोविंद को भी पाताल लोक भेजना होगा। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। यहाँ कोई पाताल लोक नहीं है। अगर ये लोग नहीं गए तो वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और इसका कहर फिर से कबीले वालों पर पड़ेगा। नहीं नहीं, उनका प्रकोप नहीं चाहिए। नहीं चाहिए उनका प्रकोप, नहीं चाहिए उनका प्रकोप, नहीं चाहिए। तुम लोगों को पाताल लोक जाना ही होगा। आप सब मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई पाताल लोक नहीं है। दरअसल गोविंद एक हथियार है, एक जादूगर है। गोविंद बिच्छू का रूप धार के रोज मुझसे मिलने आया करता था, इसीलिए हम दोनों ने एक नाटक रचाया। हम बिच्छुनी को मारना चाहते थे, प्रधान बनना चाहते थे। यहाँ कोई पाताल लोक नहीं है, कोई बिच्छू दानव नहीं है। और अगर सच में बिच्छू दानव है तो यहाँ आकर बताएं। बिच्छू देवता, कबीले वाले आपको देखना चाहते हैं, सामने आइए। बिच्छू बाबा, इस कबीले के देवता, मेरे पति। बचपन में अनजाने में खेल खेल में जो शादी हो गई थी, उस बंधन को बिच्छू बाबा ने बखूबी निभाया और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार लिया। अब मैं बिच्छू देवी हूं। अब आप लोग ही इनका फैसला कीजिए। इनका इंसाफ अब बिच्छू देवता ही करेंगे। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन गांव का नया प्रधान को आपको ही चुनना है। कबीले के अगले प्रधान भगत बाबा होंगे। जय हो बिच्छू बाबा की, जय हो बिच्छू बाबा की, जय हो बिच्छू बाबा की, जय हो बिच्छू देवी की, जय हो बिच्छू बाबा की, जय हो बिच्छू बाबा की, जय हो बिच्छू देवी की।